ठीक है, विश फ्लावर इज व्हाइट इन कलर, कौन सा फ्लावर है जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर में आ रहा है? अब यहाँ पे जो आपका लिली है वो भी बच्चा व्हाइट कलर में हो सकता है। अच्छा एक मिनट रुको, गार्गी को ट्राई तो करने दो, शी इज ट्राइंग लिली लिली। हाँ लिली भी आता है बच्चा व्हाइट कलर में, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इन्होंने कर दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया है। बिकॉज जो जैस्मीन होता है बच्चा वो भी व्हाइट होता है, ये देखो जैस्मीन ये रहा। अच्छा अर्पिता ने बताना है, चलो बताओ भाई, मैंने कर दिया इसमें। अर्पिता बताइए मैम, ये जो व्हाइट फ्लावर्स होते हैं रात को क्यों जो उगते हैं? मैं बताऊं? हाँ बताओ। क्योंकि सन की जो रेज होती है उनमें 7 रेनबो की कलर्स होती हैं, इसलिए वो सुबह ग्रो नहीं करती, क्योंकि उनमें कोई ना कोई एक कलर चला जाएगा, क्योंकि सन की रेज उन पर भी पड़ेगी, तो फिर इसीलिए वो रात में ग्रो करते हैं। ओके हाँ यास्मीन बताओ बेटा, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी मैम, स्नो ड्रॉप तो व्हाइट कलर में होता है। कौन सा व्हाइट कलर में होता है? यहाँ पे ऑप्शन देखो, स्नो ड्रॉप आल्सो, बट यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है ना। फॉरन फाइन वो होता है, बट इसमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना। सनफ्लावर है, ट्यूलिप है, जैस्मिन है और लिली है। ठीक है, तो सनफ्लावर तो ऑब्वियस है, येलो कलर का ही है। ट्यूलिप भी आपके डिफरेंट शेड्स में आते हैं। इवन लिली जो है वो भी व्हाइट में है, बट ये रेड में भी है। बट जैस्मिन इज द फ्लावर जो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर में है, सो वी हैव टू चूज दिस ऑप्शन एंड वी विल गो फॉर दिस ऑप्शन। ओके, सो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? वी विल गो फॉर जैस्मिन। नाजर समझ में आया? गार्गी समझ में आया क्यों हम लोग जैस्मिन पिक कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ बोलो क्या होता है? जैस्मिन व्हाइट कलर का होता है, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर का होता है। लिली भी होता है व्हाइट कलर का, बस उसमें और भी शेड्स होते हैं, बट जैस्मिन जो है वो ऑलवेज बस व्हाइट ही होता है। सो दिस इज द रीजन कि हमें जैस्मिन को चूज करना है। ओके क्लास नाउ, ठीक है क्लास नाउ, गिव मी 2 मिनट्स ओनली। आप लोग ये 2 क्वेश्चंस अच्छे से रीड करिए, ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स। तब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, गिव मी 2 मिनट्स ओनली। ओके आप इनके आंसर। हाँ जी डन अटेंडेंस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी अंकुर जी, इतना लेट क्लास ज्वाइन किया है आपने, अंकुर कुमार सिंह। क्लास इज अबाउट टू फिनिश अंकुर एंड यू हैव जस्ट जॉइन द क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यास्मीन, विच ऑर्गन प्यूरिफाई आर ब्लड, कौन सा ऑर्गन प्यूरिफाई करता है हमारे ब्लड को? मैम लिवर। मैम आई हैव अ डाउट। हाँ जी बोलो बच्चा। हाँ जी यास्मीन, बच्चा दिख रहा है ये पोर्शन, देखिए बॉडी का ये पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पे रिबकेज में, यहाँ पे लोअर डाउन जो लोकेटेड है बच्चा, तो स्प्लिन बोलते हैं। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। ओके तो जो हमारा क्वेश्चन था बच्चा, क्या प्योरीफाई करता है ब्लड को? सो द आंसर इज एज यास्मीन टोल्ड अस, द राइट आंसर इज। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गार्गी, बताइए बच्चा कुचिपुड़ी डांस। मैम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कैसा होता है ये डांस? मैम अच्छा। अच्छा कैसे होता है करके तो दिखा दो। हाँ अर्पिता करा हुआ ये डांस? यस मैम। क्या फंक्शन है इसका? सुना हुआ है। ओके चलो फिर एक और क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ तिल्ली और स्प्लीन? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, इसरो ने अभी रिसेंटली एक ह्यूमनाइड रोबोट बनाया है एंड दैट रोबोट विल गो टू स्पेस नेक्स्ट टाइम, वो बच्चा स्पेस में जाएगा। सो डू लेट मी नो कि ये मेल रोबो है या फीमेल रोबो है, एंड सेकंड थिंग कि इसका नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रोबो? हाँ जी आर्यन बताइए। मित्रा क्या है ये मेल रोबो है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है? मैम फीमेल। फीमेल है, ये देखो कहाँ गई, कहाँ गया वो स्लाइड, जैसे मैंने वो स्लाइड डिलीट हो गया। चलो सो ये इसरो जो है मैं पीडीएफ में एड ऑन कर दूंगी, ये बच्चा आपका फीमेल रोबोट है। ओके और इसका नेम क्या है? दैट इज ब्योमित्र। चलो नाउ ब्लू सिटी ऑफ इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के, लाइक सिटी ऑफ लेक्स है, ब्लू सिटी है, पिंक सिटी है। मैं आज एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी, उसको रीड करना। ऑल्सो दैट इज गोइंग टू बी योर असाइनमेंट, काफी डेज से हमने असाइनमेंट भी करा, सो आज मैं जो
कौन सी सिटी को किस नेम से हम लोग जानते हैं, ये पीडीएफ आई विल शेयर इन द गूगल क्लासरूम। यस नजर बताइए बच्चा क्या है पिंक सिटी, सॉरी ब्लू सिटी। मैम जोधपुर। क्या जोधपुर, लाइक पिंक सिटी हो गया आपका, जयपुर एंड यस ठीक है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेम है, सिटी ऑफ लेक्स भी हो गया, जैसे आपका उदयपुर को भी कहते हैं और श्रीनगर को भी कहते हैं। सो ये एक पीडीएफ आई विल शेयर, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर होमवर्क टूडे। चलो नेक्स्ट इज विच कंट्री शेयर्स शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। अभी हमसे शॉर्टेस्ट पूछ रहे हैं तो हम लॉन्गेस्ट भी एक बार को कर ही लेंगे। सो जिसको दोनों के आंसर पता है प्लीज डू रेज योर हैंड, शॉर्टेस्ट बॉर्डर एंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर। हाँ जी किसी को नहीं, सबने हैंड डाउन करने स्टार्ट कर दिया। अर्पिता बताओ बेटा। मैम डाउट। हाँ बोलो बेटा डाउट। और मैम इसका आंसर मैम अफगानिस्तान है एंड मैम इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट मैम बॉर्डर शेयर करता है मैम बांग्लादेश के साथ। हाँ बोलो बेटा डाउट। मैम डाउट ये है कि मैम हमारा जो एरियन क्वेश्चन था विच ऑर्गन प्योरीफाई आवर ब्लड, तो मैम इसका आंसर मैम किडनी, मैम इसका आंसर हमारा किडनी होना चाहिए था मैम, किडनी से हमारा। हाँ होता है, मैंने देखा वो एक जो वीडियो आप बात करो ना यूट्यूब पे, एक वीडियो आया था रिसेंटली अभी शेयर हुआ था, मैंने भी देखा था, उसमें वो किडनी कह रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन भी किया था इस चीज को लेकर के, बट बच्चा बाद में मैंने भी मतलब देखा था बहुत अच्छे से स्टडी किया था, बट आंसर उसका लिवर ही है। किडनी में जाती है प्योरीफाई होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनती है, तो इसका आंसर किडनी होना चाहिए। नहीं बेटा इसका आंसर लिवर ही होगा, आप एक बार और अच्छे से सर पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, बस ऑप्शन देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, तो फिर हार्ट भी हो सकता था। किडनी क्या कर रही है, किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी क्या कर रही है बेसिकली मुझे बताओ। मैम किडनी हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। किडनी नहीं करती बच्चा, किडनी नहीं करती, जो लिवर है वो ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है। किडनी क्या कर रही है, आपकी जो वेस्टेज है बच्चा उसको बॉडी से ड्रेन आउट कर रही है। हमारा जितना भी वेस्टेज है वो यूरिन फॉर्म में क्या होता है, बॉडी से ड्रेन हो जाता है। सो जो प्योरिफिकेशन का काम है वो आपकी लिवर ही कर रहा है। ओके रोहित, सो फ्रॉम माई साइड आंसर इज लिवर। ओके चलो, वो एक वीडियो जो था उसमें काफी से क्वेश्चन थे बच्चा वो रॉन्ग थे, मैंने भी वो वीडियो देखा था, जैसे मुझे बहुत से बच्चों ने बोला था कि मैम यूट्यूब पे वो पर्टिकुलर वीडियो था, तो मैंने भी वो वीडियो देखा था, बट उसमें काफी आंसर्स रॉन्ग हो रखे थे। जैसे उन्होंने 70% वाला जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने मसल स्टिक किया हुआ था, दिस वॉज द रीजन की आप ही मसल्स ही कह रहे थे ठीक है, बट जैसे मैम ने आपको साइंस वाले मैम ने भी बताया कि नहीं वॉटर है एंड मैंने भी बताया वॉटर है, सो राइट आंसर इज वॉटर। चलो बच्चा बस ये लोग क्या करते हैं, इनको क्या होता है ये फटाफट से जैसे ही पेपर उनके हाथ में आया उनको सॉल्यूशन बताने होते हैं, तो वो इतना सर्च करके नहीं बता रहे। इन दैट सेम में एक और क्वेश्चन था कि विच कंट्री प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड, या कौन सा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है गोल्ड, तो बच्चे उसमें जिम्बाब्वे ऑप्शन दिया हुआ था, बहुत सी जगह जिम्बाब्वे मतलब क्लिक हो रखा था, बट द थिंग इज कि हमें रिसेंट डाटा कलेक्ट करना होता है और रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग चाइना इज द राइट ऑप्शन। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जिनके आपको अलग अलग आंसर्स मिल जाएंगे, तो ऐसे आंखें बंद करके किसी भी आंसर को, मैंने आपको हमेशा समझाया है अगर नहीं बताया उस चीज का पर्टिकुलर आंसर, टेक अ टाइम देख लो उसको अच्छे से सर्च करो, सारे जितने भी उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके सबके फंक्शंस को देखो, एंड देन यू विल लेट टू नो कि नहीं आंसर क्या है एक्सैक्ट। ओके रोहित, ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, किसी ने भी कुछ भी पढ़ाया है उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, हमेशा अपना आंसर एक प्रिपेयर करना ही करना है कि मेरी साइड से क्या आंसर है। इवन किसी बुक में भी है, मैं कभी किसी बुक में बोल दिया कि हाँ ये चीज सही है, मैं कभी भी ऐसे उठा करके कुछ भी नहीं करती, या गूगल से भी मुझे पता चल गया, लाइक वो क्वेश्चन हमने किया था लैंग्वेज वाला, सो चेतन करके एक स्टूडेंट था, ही वाज लाइक नहीं मैम 121 ही लैंग्वेजेस है। सो ऐसे नहीं कि गूगल ने बोल दिया वो हमेशा सही है, या किसी और ने कुछ बोल दिया ऑनलाइन वो हमेशा सही है, या इवन मैंने भी कुछ बोल दिया तो वो हमेशा सही है, हमेशा अपने आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट ज्यादा करना है। हम हेल्प ले सकते हैं दूसरे जितने भी सोर्सेज है, बट वी हैव टू rely on ourselves only। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जब फटाफट से। सो आंसर जैसे कि रोहित ने हमें बताया कि शॉर्टेस्ट बॉर्डर कौन शेयर करता है अफगानिस्तान, एंड लॉन्गेस्ट कौन कर रहा है हाँ बोलो बांग्लादेश। मैम बांग्लादेश का बॉर्डर लॉन्गेस्ट है। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में भी कुछ कंफ्यूजन होगा, अब आपके बहुत से यूट्यूब जो साइट से वो बच्चा कौन सा अवार्ड कह रही है रोहित, रिसेंटली कौन सी अवार्ड से ऑस्कर दिखा रहा है, बहुत सी जगह वो ग्रेमी भी कह रहे हैं। तो कॉज ये आपका 2020 का पेपर है, सो ग्रेमी 2020 में हुआ था और ऑस्कर अभी हुआ था, सो नाउ विच क्वेश्चन विच ऑप्शन वी हैव टू ऑप्ट, बताइए आप मुझे। अगर ये क्वेश्चन पेपर 2020 के अकॉर्डिंग है तब तो फिर ग्रेमी हुआ है,
और अगर रिसेंटली उन्होंने कॉज उन्होंने रिसेंटली मेंशन किया है ठीक है अकॉर्डिंग ऑस्कर हुआ है फाइन ऑस्कर इज द राइट आंसर बट ये भी कंसिडर करने वाली चीज है कि ये पेपर 2020 का है तो लेट्स सी कि एक्चुअल आंसर की में क्या ऑप्शन आते हैं चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हु हैज बीन नेम्ड इन यूएन्स 2020 लिस्ट ऑफ यंग लीडर यस नजर किनको ऐड किया गया है मैम उदित सिंगल क्यों ऐड किया गया है क्या रीजन है कि उनको ऐड किया गया ऐसा क्या काम उन्होंने किया कि उनको ऐड किया गया गार्गी यास्मीन आप लोगों ने एड्रेस किया हुआ दिस इज द रीजन आई एम आस्किंग यस आर्यन क्या किया इन्होंने राहुल गांधी नो राइट आंसर इज उदित सिंगल हाँ जी रोहित पता है क्या किया इन्होंने यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस स्लाइड उन्होंने बच्चा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ग्लास टू सेट अब इस इनिशिएटिव में क्या किया है उनका एम है कि उनको क्या करना है हमारे एनवायरनमेंट को या हमारी अर्थ को जीरो वेस्ट इनिशिएटिव मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है और जीरो वेस्ट इनिशिएटिव वेस्ट नहीं होना चाहिए सो ग्लास टू सैंड की ग्लास से किस तरीके से सैंड ये जो ग्लास है बच्चा उसको यूटिलाइज करके किस तरह से सैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है तो ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव हो गया सो दिस इज द रीजन कि उनको इस लिस्ट में ऐड किया गया है ओके अर्पिता यस मैम ओके बच्चा हाँ जी यास्मीन समझ में आई बात यस मैम ओके चलिए नाउ विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ यूज्ड टू मेक आपकी फेवरेट चॉकलेट्स बताइए गार्गी बताओ रोहित बताओ फटाफट से आंसर दो बच्चा इस क्वेश्चन का आइवरी कोस्ट अगर यहाँ पे आइवरी नहीं होता अगर आइवरी नहीं होता और मैं कह दू तो खाना यस तो खाना भी होगा ये भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था क्या कह रहे हो आप किया गया है बच्चा ये तो किसी का पेपर है वही पेपर एज इट इज मैंने यूज किया है अभी तो जिसने टिक किया वो तो उसकी इशू है ना कि उसने क्या टिक किया है मैम लेकिन बच्चे घर पे आके टिक किया होगा हाँ जी क्या कह रहे हो मैम जिसने भी टिक किया होगा मैम घर पे मैम जिसने भी टिक किया होगा मैम उसने घर पे आकर टिक किया होगा रेड पेन से हाँ मे बी पॉसिबिलिटीज ठीक है सो बच्चा आइवरी कोस्ट और घाना दोनों ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोआ के दोनों को लर्न कर लो मे बी नेक्स्ट टाइम वो आइवरी कोस्ट ना देकर के घाना दे दे तो फिर आप बोलो कि नहीं मैम ने तो आइवरी कोस्ट कराया था बट यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है आइवरी कोस्ट का सो ये दोनों ही आपके अफ्रीकन सिटीज हैं और बच्चा ये सबसे ज्यादा कोकोआ जो है वो प्रोड्यूस करती है अच्छा यास्मीन चोको बटर डिफरेंट डिफरेंट नाम बता रहे हो हैं क्लास के टाइम पैसे बातें नहीं करते हैं भूख लगने लग जाती है चलो हु वॉन द यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 अब देखो इन्होंने 2020 का दे दिया दिस वॉज द रीजन कि मैं कह रही हूँ करंट अफेयर से अपने आप को अपडेट रखो मन्नत कहाँ पे है काफी देर हो गई मन्नत शी लेफ्ट द क्लास ओके हाँ जी नजर बताइए बेटा मैम डोमिनिक थीम यस डोमिनिक थीम फटाफट चार क्वेश्चन रह गए हैं मैं उनके आंसर खुद ही बता देती हूँ ओके क्लास अभी भी एंड हो सकती है टाइम हो चुका है Which is the shortest continent, smallest continent? That is Australia. Samba dance form is associated with Brazil. Australia, Brazil. And flower is obtained from the plant. ये किससे निकलता बच्चा ये flower bud से निकलता है And next is Professor Amartya Sen को बच्चा Nobel Prize कौन सी field में मिला है So the right answer is economics. Okay class, so now I'm going to end the meeting and we will continue preamble tomorrow. So I will assign you homework. Please, apne questions kar ready karke, ye apne aana hai. Bye all of you, take care, see you tomorrow. Bye. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप